वैधानिक चेतावनी। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, इस शो में दिखाए गए सर पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है बल्कि अकल्पनीय है। इसमें दिखाए गए घटना और पात्रों के साथ आपके घर घर के बाहर गली मोहल्ले या आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ समानता पाई जा सकती है। वीडियो में किसी भी बात को त्रिपेनाले और फालतू दिमाग ना लगाए क्योंकि बना दिमाग हमने नहीं लगाया। फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में एक तरह की खराबी आ सकती है और दिल सड़ सकता है। और इसको अकेले तो बिल्कुल बना सर में लगने का पूरा चांस है। पहले अपने दोस्तों को जान पहचान वालों को वीडियो शेयर करें फिर देखें। फिर भी अगर दिल में कोई खफड़ रह जाए तो सब्सक्राइब का लाल गोली रखी हुई है उसको खा जाए और हाँ बगल में जो मंदिर का घंटा लटका हुआ है उसको भी दबा देना। मन को शांति प्राप्त हो। क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? मऊ से। मऊ से? सामने से। सामने से बोलो तो जरा मुंडी उठा के देख तो लो, इधर ही बैठा हूँ मैं। अबे नालायक गधे, जब सामने बैठे हैं तो कॉल किस लिए किया? फोन इसलिए किया कि तब से यहाँ पे खड़े आपको बुला रहे थे, सेट एंगल सेट गला आप है कि कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे थे, तो मेरे को लगा कि फोन पे ही बात कर लेते हैं। यार तब से बच्चों जैसा फोन पे घुसे पड़े हैं, बाप चुप कर दिए। क्या बच्चे वाले, क्या बच्चे जैसे आवाज सही से नहीं रहे, बता क्या बच्चे वाले बात कर रहे हैं? कहा बस सही से नहीं, सामने तो बैठा हो ना, सीधा सीधा बात कर सकते हो कि नहीं? अभी सीधा सीधा बात करनी है, बता क्या बात करनी है? वो छह सात दिनों की लीव चाहिए थी मेरे को। हाँ तो छुट्टी चाहिए, तो रेस्टोरेंट कौन संभालेगा? आप तो मैं संभालूंगा रेस्टोरेंट, तो तुम्हें किस लिए रखा है? भजिया तलने के लिए। वैसे यदि इसको भजिया तलने के लिए रखा है तो वो तो हर चार दिन में भग जाता है। क्या बोला? कुछ नहीं। कैसे? देख इस बार जो लड़का काम छोड़ के भागा है वो मेरी वजह से नहीं, किसी लड़की के चक्कर में आके भागा है। आप इसका मतलब खुद खुदा ही मान रहे हो ना कि इससे पहले जितने भी लड़के भाग गया वो आपके कारण भाग गया? तो मैं सबसे पहले अपना बिजनेस ही देखूंगा, अब कोई ठीक नहीं पता उसमें मैं क्या करूँ। एक बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी एक जंग है और सबको यह अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, और भागना मतलब कायरता है। ऐसा कहा था, मैं आपको कहा समझता था, कहा निकले अब तो साक्षात देव मानुष निकले प्रभु। हाथ रखिए ना बच्चे के साथ। चल 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 ठीक है बैठ, अभी तो बोलता हूँ मन लगा के काम कर, किसी लड़की वड़की चक्कर में आके अपने पेट में लात मत मार। ये बाल काटने के लिए थोड़ा पैसा और टाइम तो छोड़ो। बाल काटने से क्या शाहरुख खान बन जाएगा? हल्का तो रहे, बता मत रोना, बेटा रोना घूम रहा हूं मैं इतने दिनों से, चला खा लो बाल रहे लो, गली धा धा के जा रहा है। हां तो कुछ देके ही जा रहे, कुछ लेके तो नहीं जा रहे ना? क्या आदमी हो आप, कुछ लेके नहीं जा रहा है मगर कस्टमर अगर तुम्हारा ना आए लौट के तो नुकसान किसका होगा? आप ही का ना, इसलिए तो 10 साल भर करने के बाद भी आपका हाल वही के वही पड़ा हुआ जैसे 10 साल पहले आपका था। कस्टमर खाने में से 4 बाल उठाता है, फिर उसको मिलाता है और बोलता है ये हिंदू का बाल है मुसलमान का बाल है, ये मिला दिया, चल बता इनमें से हिंदू का कौन सा है मुसलमान का कौन सा है, चल बता हिंदू का कौन सा, चल बता चल बता बता। तो बता ना, ये मुसलमान का बाल है ये हिंदू का बाल है, किसको क्या पता है यार? ओह नो, बता देना। वाह बस यही रहेगा काम करने को। अच्छा बाप का दिया सब कुछ था, दौलत था सौरा था, ये उसने भी बंगला था जिसमें साइन बोर्ड लगा दिया होटल हड़बड़ी और बन गया होटल, खुल गई होटल। कभी अपने लाइफ में एक बोर्ड के अलावा कुछ लगाया? लगाया लगाया दिल लगाया। मन उधर बुला रहे, जाना क्या मगजमारी कर रहे हैं? बस आपकी इन्हीं हरकतों ने ना आपको लेट हुआ, दीवारें सड़ रही है, छाते गिर रही है और किसी न किसी कस्टमर के सर पे गिर गया।
और वो ऊपर टूट गया तो आप हमेशा हमेशा के लिए लेट जाओगे, बता दे। बहुत बुरी तरीके से फंसोगे आप। और ये छत जो आपके सर के ऊपर जैसे देखता रहता ना आपको 24 घंटे, ऐसे कभी हाथ के ही सर पे गिर गया तो आप तो यार क्या बोल रहा है यार, जब भी मुंह खोलता है उल्टे सीधे बकता है तू। मैं रहा हूँ शैतान के, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। अरे इसकी तो मैं अरे ओह नो, जाके देखना क्या बोल रहा है। ना सैलरी मिलती है ना इज्जत। ऐसा लगता है कि मैनेजर नहीं फुटपाथ के उस ढाबे में काम करना, बोले छोटू बन चुका हूँ मैं। खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। छोटा मत ना बेटा, लाइफ में छोटी मोटी परेशानी आती है जाती है, लेकिन इंसान को क्या अपना काम करते रहना चाहिए। तो समझ रहे ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इतने दिनों से आप समझा रहे हो और हम समझ ही रहे हैं। हाँ तो अब भी समझ। तो कस्टमर बुला रहे, जाके देखना क्या बोल रहा है। अरे इसको भी चैन नहीं मिलता यार, मैं आ रहा हूँ। अच्छा एक तो सड़ा हुआ मुंह और उतना ही घटिया मिमिक्री। ये बात जब तक तो अच्छा है, अच्छा है। हाय हाय हाय।